गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये हमारे पास एक मिनी कार आई है बनने को, कस्टमर कहना ये आन नहीं हो रही है, बैटरी सब ओके है। इसमें दो बैटरी लगती है, ये इसका रिमोट कंट्रोलर है और ये कार है। तो इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे आन करके। ये देखिए आन है और ये चलते ही जा रही है रिमोट से कंट्रोल होने से पहले। रिमोट बिल्कुल ऑन है लेकिन ये पहले से ही ऑन हो रखी है। तो ये देखिए मोटर चल भी नहीं रहा है और ये पहले से ही ऑन है। तो इसको ऑफ करके सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, जिसके बाद इसकी बैटरी को चेक करेंगे। इसकी बैटरी ओके है कि नहीं है, इसकी बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे हम। डीसी 20 वोल्ट पे हमने सेट कर रखा है मल्टीमीटर को। ये माइनस है, ये प्लस है, ये देखिए सेल बिल्कुल ओके है। ये वेरेडी का सेल है 1.2 का, ये देखिए बिल्कुल फुल दिखा रहा है, ओके है। इसका मतलब है ये रिमोट बिल्कुल ओके है, फॉल्ट इसमें है। इसके बटन जो है थोड़ा टाइट है और इसको हम खोलते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए ये बैटरी भी ओके है, नई बैटरी है ये, क्योंकि अगर नई नहीं होती तो ये ऑन नहीं होता सिस्टम। सिस्टम ऑन है पर काम नहीं कर रहा है, ये हैंग कर रहा है इसका रिमोट। दो ही स्क्रू दिख रहा है इसमें। ये घाट पे लगा हुआ है, ये देखिए निकल गए। ये इसका एंटीना है और ये इसका प्रोग्राम है, में सब कुछ होता है। और ये ट्रांसमीटर का है फुल कॉइल और इसको हम इसको निकालेंगे। यहाँ से स्क्रू दिया हुआ है और ये आईसी भी कुछ दिख रहा है जैसे हीट पाइप। अभी सिस्टम को ऑन करेंगे पहले बैटरी लगा के। ये देखिए सिस्टम ऑन हो गया है। ये अंदर से मोटर चल रहा है पर इसकी जो घिरी है इसको चलानी चाहिए, वो चला नहीं पा रही है। आवाज़ कर रहा होगा, करीब से सुनिए। और इससे कंट्रोल करेंगे, कोई भी वर्क नहीं है। इसको यहाँ से हम खोलेंगे बंद करके। देखिए मोटर की जो घिरी होती है यही है,
इसी पे वो चलता है, क्योंकि थी बैठ नहीं पा रही होगी। तो सबसे पहले इसको हम बैठा के चेक करेंगे कि इस तरह से चलती है कि नहीं। ये देखिए मोटर की गेजी इस पर कनेक्ट नहीं हो पा रही है, हम अपोजिट में लगाएंगे, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे ही लगेगा ये, चल नहीं रही है। इस पे बैठना चाहिए इसको, ये गिरी टूटी हुई है, यहाँ पे देखिए टूटी हुई है गिरी, ये ढीली हो गई है। अब इसको ऑन करेंगे, मोटर भी नहीं चल रहा है, ये देखिए मोटर तो चलने लगा है। ये देखिए ये भी ऑन हो गया गाइस। ये जो इसका गियर का जो वो है यही टूटा हुआ है, इसी से ये दिक्कत हो रही है, ये पले हो गया एकदम। मैं आपको करीब से दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए कट गया है, दिख रहा होगा आपको, और कहीं नहीं कटा है। तो इसी पे हम एल्फी लगाएंगे, चलिए कि दबा देंगे, ये अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद आपको इस पे लगा लेना है, इसके भी हल्का सा फेविकिक लगा लेनी है। इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देंगे एक मिनट के लिए। गाइस ये सूख चुका है, ये देखिए ये बिल्कुल सूख चुका है। अभी इसको चेक करेंगे, मोटर को ऑन करेंगे, ये देखिए रन कर रहा है, ये देखिए इसको पैक करेंगे। तो गाइस देखिए ये हमने पैक कर लिया है, ये ऑन है, अभी ये चल नहीं रहा है। ये बैटरी देखिए, ये बैटरी हमने डाली, ये ऑन हो गया। ये देखिए इसका रिमोट भी गड़बड़ है, और ये रिमोट के सेल निकालने के बाद ये देखिए बंद हो जा रहा है, इसका मतलब ये रिमोट में भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसको हम पैक कर लेते हैं, उसके बाद इसको खोलेंगे। तो गाइज ये देखिए हमने इसको पैक कर रखा है, अब ये देखिए ये पैक हो चुकी है, नहीं चल रही है। अब ये देखिए रिमोट से चल रही है, ये देखिए जैसे हमने बैटरी को लगाया, और ये देखिए अभी हिल भी रही है, ये देखिए ऑन हो गई है, ये देखिए इसी की प्रॉब्लम है। अब इसको बंद कर लेंगे, अब ये रिमोट को हम ओपन करेंगे, ये बैटरी पहले निकाल लेंगे, इसकी बैटरी बिल्कुल ओके है, नहीं है। इसको हम खोलेंगे, आपको करीब से दिखाएंगे। यहाँ पे चार स्क्रू है, आपको स्क्रू खोलना है, फटाफट खोल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये खुल चुका है, ये देखिए इसमें ये छोटा सा ट्रांसमीटर होता है, जो उसमें लगा होता है वही चीज़ इसमें भी लगी होती है, और ये बटन का ही फॉल्ट था ये, क्योंकि ये दोनों बराबर ये वायर की वजह से बराबर टिपा रहे थे ये। और इसमें हम बैटरी लगाएंगे, ये बैटरी हमने लगा रखी है, और ये ऑन किया हमने सिस्टम को, और ये देखिए अभी ओके हो गया ये। अब ये देखिए ये देखिए ऑन हो गया। अब इसको पैक करके हम आपको ज़मीन पे चला के दिखाएंगे। तो गाइस देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ से थी, ये जो बटन है जब हम इसको बैठा रहे हैं तो यही प्रॉब्लम है कि ये इसका जो ये प्लास्टिक है
ये बड़ा है, इसी वजह से ये पहले से ही दब जा रहा है बटन, इसीलिए ये हैंग करने लग रहा है, ये अपने आप ही ऑन ऑफ हो रहा है। हम इसको चाकू से मदद से इसको हल्का हल्का छोटा कर लेंगे। ये देखिए अभी एक चालू हालत में है, अभी ये कोई वर्क नहीं कर रहा है। अब देखिए अब बिल्कुल ओके हो चुका है, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसको हम पैक कर लेते हैं फटाफट। ये चारों स्क्रू आपको टाइट कर लेना है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम इसको ज़मीन में रख के चेक करेंगे। ये देखिए गाइस हमने ज़मीन में रख दिया, ये हमारा रिमोट कंट्रोल है। अब हम इसको रिमोट से चलाएंगे। ये देखिए गाइस, देखिए ये हमारा देखिए वर्क कर रहा है। ये देखिए